इंजरी, फिजिकल पेन हो, शोल्डर डिसलोकेट हो या बैक पेन हो, स्लिप डिस्क हो, तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपने फ्रेंड का नाम और नंबर डाल दूंगा, आप उससे कांटेक्ट कर लें। एवरीवन, सत श्री अकाल, नए व्लॉग में आप सबका स्वागत है यार। तो ये है व्लॉग नंबर 32। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। और यार बहुत मेहनत लगती है व्लॉग बनाने में, क्योंकि उसको एडिट भी करना होता है, थंबनेल भी बनाना होता है, टाइटल भी सोचना होता है, फिर टैग्स भी लगाने होते हैं, फिर सारी जगह शेयर भी करना होता है। तो इसलिए आप मेरे व्लॉग्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो और अपने सारे फ्रेंड से सब सब्सक्राइब कराया करो। सब्सक्राइब कराने में देखो थोड़ा सा फंबल हो गया, चलता रहता है ये सब। 31 हो गए, काफ़ी कुछ सीख चुका हूँ, काफ़ी कुछ सीख रहा हूँ, आवाज़ में कॉन्फिडेंस है, थोड़ा लाउड बोलना शुरू कर दिया है, तो हर चीज़ में मैं अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ धीरे धीरे। और आज संडे है, मैं अभी नेक्स्ट वीक के लिए रील्स बनाने के लिए जिम आया हुआ हूँ, तो ये हम रील्स बना रहे हैं और इसके बाद इसको एडिट करके अपलोड करेंगे। बाकी नेक्स्ट अब संडे में हम आगे क्या क्या करते हैं ये देखते हैं। और वही मैं अभी भी क्या करूँगा, 3-4 दिन की क्लिप्स बनाऊँगा, मंडे टू वेनसडे या मंडे टू संडे टू वेनसडे शायद, या संडे टू ट्यूजडे क्लिप्स बनाकर एडिट करके अपना चैनल पर डाल दूंगा। तो आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और अपने फ्रेंड से भी करवा दिया करो। तो अब रील एडिट करते हैं, रील अपनी जो भी बना रहे हैं हम उसको बनाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं एक साथ, और फिर आपको हमारे पेज पे द कैलीफिट जिम के जो पेज है उस पर इंस्टाग्राम पे दिख जाएगी। अगर आपने अभी तक हमारे जो इंस्टाग्राम का पेज है उसे फॉलो नहीं किया तो कर लो, हैंडल है द कैलीफिट जिम, और जो मेरा पर्सनल अकाउंट है उसका नाम है तरन द कैलिस्थेनिक्स बॉय, दोनों पेज को फॉलो कर लो। गाइस आज संडे है और हम लोग अगले वीक का कंटेंट शूट करने के लिए जिम में आ गए, क्योंकि संडे कोई भी नहीं होता जिम के अंदर, तो हमने कहा कंटेंट शूट कर लेते हैं। नेक्स्ट जो वीक है उसकी रील्स रेडी हो जाएंगी। अभी हमारे विनू भाई जो डिजिटल क्रिएटर हैं, जो हमारे इंस्टा का पेज भी हैंडल कर रहे हैं, वो सेट कर रहे हैं ट्राईपॉड पे फ़ोन को। और अभी हमने एक वो बनाई है, ड्यूएल वाली रील बना रहे हैं हम, जिसमें मैं एक तरफ पुशअप करूँगा और एक तरफ हैंड स्टैंड पुशअप करूँगा। तो इसको अभी हम स्टार्ट करते हैं, आप साथ साथ BTS देखते रहो। लास्ट वीडियो हम लोगों ने बनाई थी, बट उसमें थोड़ा सा एंगल का प्रॉब्लम हो गया, तो दोबारा रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इसलिए यार चैनल को सब्सक्राइब किया करो, बहुत मेहनत लगती है ये सब चीज़ें करने में। आपको दिख रहा होगा आगे ट्राइपॉड है बड़े वाला, पीछे छोटे वाला है, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, तो बहुत मेहनत लगती है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को। हम लोगों ने रील शूट्स की थी जिम के लिए, जिसमें से एक तो पोस्ट भी हो चुकी है हमारे इंस्टाग्राम के पेज पे। और अभी जस्ट मैं अपना जिम गया था सुबह, तो 12:30 में घर आ जाता हूँ। उसके बाद मैंने अभी तक यार अपने सर्टिफिकेट्स नहीं लगाए थे, जो मैंने अपने पर्सनल ट्रेनर के सर्टिफिकेट के 11 से अपना किया हुआ है, तो मैं उसका फ़ोटो फ्रेम करने के लिए देने जा रहा हूँ। तो ये मेरे कुछ सर्टिफिकेट्स हैं जो मुझे फ़ोटो फ्रेम कराने हैं। बाकी जस्ट मैंने अभी एक अपना कार्ड देखा, इसमें ऐसे लग रहा है कि मैं पाकिस्तान का कोई आतंकवादी लग रहा हूँ, इतनी बुरी और इतनी बड़ी बियर्ड में इतना ख़तरनाक लग रहा हूँ मैं। और बाकी ये एक पारुल की भी मैंने फ़ोटो फ्रेम कराई थी, पारुल की फ़ोटो फ्रेम करानी है मुझे, ये मैंने अपने फ्रेंड से स्केच बनवाया था, तो ये भी मुझे फ़ोटो फ्रेम करानी है। बाकी अगर आप भी यार किसी को गिफ्ट देना चाहते हो, अगर आपको भी कोई फ़ोटो का स्केच बनवा के गिफ्ट देना हो, तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपने फ्रेंड का नाम और नंबर डाल दूंगा, आप उससे कांटेक्ट कर लेना। तो चलते हैं, पहले इसको सबको फ़ोटो वो कराते हैं फ्रेम, और फिर जिम में अपने लगाते हैं। जैसे कि यार आप सबको पता है कि मेरी बैक में काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, और मैंने अभी व्लॉग में भी डाला था कि वो बैक में मैंने कुछ स्ट्रिप्स लगवाई थी, उससे आराम बढ़ा, बट बिल्कुल बहुत ज़्यादा आराम नहीं हुआ। बट एक भाई है मयंक चावला करके, वो मेरे जिम में आता है, वो मेरे से काफ़ी टाइम से बोल रहा था कि भैया आप मेरे पास एक दिन घर पे आ जाओ, मैं यही इलाज करता हूँ बैक पेन का और बाकी सारे जितने भी प्रॉब्लम्स होती हैं। बाकी डिटेल में वो भी खुद बताएगा, मैं आपको उससे मिलवाता हूँ। तो मेरे को उसने आज बुलाया, मैं ना आगे बेंड नहीं हो पा रहा था, हाफ ही हो रहा था, तो इसके पास कोई ऑयल है, इसने वो लगाया। तो सच बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा, इतना ज़्यादा आराम आ चुका है, मेरे को लग रहा है 99% पेन ख़त्म हो गया, जो बहुत दिनों से हो नहीं रहा था। तो अब भाई से आपको मिलवाता हूँ, ये थोड़ा सा अपने बारे में डिटेल देगा, जिससे और भी किसी को अगर प्रॉब्लम हो तो उसको ज़्यादा धक्के ना खाना पड़े, फालतू के पैसे वेस्ट ना करने पड़े डॉक्टर पे जाने के लिए। तो आप ये भाई से पूछो। तो ये भाई है मयंक चावला। हाँ जी भाई,
जय सियाराम जी। ये एक्को प्रेशर थेरेपी है, ये करता हूँ मैं। एक्को प्रेशर फ्यूर थेरेपी और योगा थेरेपी, बेसिकली एक्को प्रेशर करता हूँ। कोई भी इंजरी हो, इंटरनल इंजरी, फिजिकल पेन हो, शोल्डर डिसलोकेट हो या बैक पेन हो, स्लिप डिस्क हो, हैमस्ट्रिंग, एंकल, कुछ भी हो, इन सबका पेन का रिलीफ देता हूँ। तो भाई ने अपनी डिटेल्स दे दी, मैं भाई का नाम और नंबर डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, तो आप लोग जाकर देख लेना, और कुछ भी कांटेक्ट करना तो उसको कर लेना, नहीं तो मेरे से कर लेना, मैं आपको बता दूंगा। तो और थैंक यू सो मच मयंक भाई को, जिसने मेरा आज ऑलमोस्ट 99% पेन को रिलीफ कर दिया। वो भाई कह रहे एक आधी बारी और आना, ये पूरा ही जड़ समेट इसको ख़त्म कर देंगे।